गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं हूँ निरंजन, आपका होस्ट दोस्त, और हम पहुँच गए हैं यहाँ पर उसगाँव डैम के यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर रहे। तो उसगाँव डैम, अरे अरे एक मिनट, तो उसगाँव डैम 25 किलोमीटर है फ्रॉम होटल मुंबई गुजरात हाईवे पे, और मैं यूजली यहाँ पर आता हूँ बिकॉज यहाँ पर मेरे को ऑफ रोडिंग ट्रेल्स मिले हैं, स्किल्स बेटर कर सकते ऑफ रोडिंग के। आप नेचर भी देखिए ना, कितना सही है आसपास। और एक्चुअली इस टाइम मैंने जो चीज़ नोटिस की है वो ये है कि जो पानी लेवल है ना वो बहुत कम है। अरे अरे एक मिनट, यहाँ पर तो भाई लास्ट टाइम मेरी बाइक पानी में अटक गई थी, बट पानी लेवल बहुत ज़्यादा था, आज बहुत कम है। तो निकल गए आराम से। तो जो आप बाइक देख रहे हैं ये पल्सर 180 है, जिसको मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बनाया था। फ्रंट और रेयर ट्रैवल सस्पेंशन इंक्रीज़ किया 240 mm के लिए, और हैंडल फ्री रहे ताकि, इसलिए मैंने हिमालयन का फ्रंट गार्ड गेज यूज़ किया हुआ है, सो दैट हैंडल पे ज़ीरो वेट रहे। और भी काफ़ी चीज़ें उसमें की है मैंने, उसका एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा एक दिन में। तो यहाँ पर लास्ट टाइम मैं पानी की बात करता था, पानी लेवल काफ़ी था, मतलब मेरी हाफ बाइक अटक गई थी, और अब तो भाई पानी ही नहीं है यहाँ पर। और अभी सोचो मार्च में हालत है, जून जुलाई में क्या होगा। ओके अभी कहाँ से लूँ, यहाँ से लेते हैं। अरे 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 चढ़ जा। सागर और योगेश उधर खड़े हैं, दोनों बेनली पे आए थे, उनकी बेनली तो इसका आधा भी नहीं कर पाएगी, तो ट्राई क्यों करना। और हम आ गए हैं अदर साइड ऑफ द, क्या बोलते हैं इसको, लेक ही बोल रहे। ये उसगाँव डैम वज्रेश्वरी मंदिर से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो रास्ता, अगर आपके पास कोई एडवेंचर मोटरसाइकिल है और आपको उसका फील देना है कि एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग का, तो मेरे हिसाब से मुंबई के सबसे नज़दीक ले वाली फीलिंग देने वाली जगह यही है। एंड मैं यहाँ, अब वही आपको बोला, मैं इसलिए यहाँ पर आके अपने स्किल्स इम्प्रूव कर सकूँ, और मज़ा आता है, एक अलग एक मज़ा है एक एडवेंचर मोटरसाइकिल पे एंजॉय करने का। ये कम्प्लीट एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है नहीं, ये तो मेरा जुगाड़ बनाया हुआ चीज़ है, जितना कर सकते करेंगे। अच्छा दूसरी बात, यहाँ के लोकल्स थोड़े बॉर्डर हो जाते हैं आजकल, कि काफ़ी मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पर आते हैं। और जैसे ये पाइप था आपने देखा, तो मैंने ये पाइप क्रॉस किया जाने के टाइम पे, और वो बंदा आके मेरे से आर्ग्यूमेंट किया कि उनका पाइप टूट जाता है क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट आते हैं और फिर नुकसान कर देते हैं और उसका प्रॉब्लम उनको होता है। सो प्लीज़ इफ़ यू कम हियर, ट्राई नॉट टू मैस विद द लोकलाइट्स हियर, डोंट बॉदर देम। ऑल्सो हमने देखा काफ़ी लोग कैंपिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, एंड बहुत सारा कचरा फेंका हुआ था, सो प्लीज़ कचरा मत फैलाइए। काफ़ी हमने बियर बॉटल्स, रैपर्स एंड क्या क्या देखा। सो ट्राई कीजिए व्हेन यू कम यू आउट कैंपेन, कीप द लोकेशन सेफ क्लीन सो दैट अदर पीपल कैन कम एंड एंजॉय एज वेल। चलिए वापस रिटर्न मारते हैं, मे बी इधर नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा अप्रैल में तो ये पूरा सूख ही गया होगा। ये आप देख रहे हैं ना, जो ये परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों है, तो आई रिकमेंड पेरली स्कॉर्पियन टूडर टायर्स यार, दे डू वन हेल ऑफ अ जॉब। एक बार भी बाइक स्कीड नहीं हुई बे। चल बो, इसको ट्राई करते पीछे लेते। सुबह ही जल्दी आएंगे ना यहाँ पे, तो सब लोग कैसा है कि सब लोग पूरा निकल जाते हैं चार बजे के पास पहुँच
सुबह सुबह यहाँ पे एकदम ठंडा होता है, फॉग होता है, पानी होता है, तो साथ में लाइए नाश्ता वाश्ता और कीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई और फ्रेंड के साथ। आपको मुझे पता नहीं मज़ा आ रहा है देखने में नहीं कि, बट मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि भाई लद्दाख हो गया, जाएंगे लद्दाख भी जाएंगे, बट इसका इन्जॉयमेंट अलग है। ये चलो आ जाओ अभी।